Good morning students and parents also. आज हम international general knowledge olympiad के बारे में पता करेंगे कि ये किस तरह का exam है and कौन कौन से type के questions इसमें आते हैं. Normally ये देखा गया है कि English medium students जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा perform करते हैं इन तरह के olympiads में. एंड ये भी देखा गया है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये ओलंपियाड्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हैं. बट अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी थोड़ा प्रयास करें और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव करें तो वो भी इस ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को डेवलप करके आगे जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं जो स्पेशली जो 12th क्लास के बाद जैसे IIT एंड AIEEE एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज दिस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें OMR शीट्स का यूज़ होता है. सो अगर स्टूडेंट्स शुरू से ही और उनके जो पेरेंट्स हैं शुरू से उनकी हैबिट डाले ऐसे ओलंपियाड में परफॉर्म करने की देन डेफिनेटली एक ये एडेड एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स के लिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इस दिस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है जो 2018-19 में सितंबर में हुआ था. ये प्रैक्टिस बुक है जो नॉर्मली एट द टाइम ऑफ फिलिंग जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं वो टाइम में दी जाती है. इसमें कुछ सैंपल्स क्वेश्चन रहते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो है नॉर्मली एग्ज़ाम में भी आते हैं. तो हम एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है एग्ज़ाम के दौरान एंड एग्ज़ाम से पहले क्या प्रिपरेशन करके हम लोग जा सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए कि इस टोटल मार्क्स जो है इसमें मार्क्स तो नहीं दिए हैं टोटल क्वेश्चंस दिए हैं नंबर 50 क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को 1 आवर में कम्प्लीट करने पड़ते हैं. तो ये हम जो ले रहे हैं क्लास 6 का है एंड सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपना नेम सेक्शन एंड ओलंपियाड रोल नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर फिलअप करना है. इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है जैसे कि स्टूडेंट्स को 10 मिनट्स मिलेंगे OMR शीट फिलअप करने के लिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम. सो एक घंटे के अलावा 10 मिनट और मिलेंगे जिसमें स्टूडेंट अपनी OMR शीट फिलअप कर सकते हैं एंड OMR शीट में ये डिटेल्स हैं जैसे नेम एंड स्कूल नेम्स और ये सब दिया रहता है वो इसको फिलअप करना है. एंड इसको फिलअप करने का इंस्ट्रक्शन भी अलॉन्ग विथ ये जो बुकलेट दी गई है इसके साथ आता है एंड कैसे फिलअप करना है ओमर शीट वो बता दिया जाता है. तो इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं ये फॉर्मेट दिया गया है जैसे जनरल अवेयरनेस के इसमें 30 क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर के 10 और लाइफ स्किल्स के 5 और एक लास्ट सेक्शन है दैट इज अचीवर सेक्शन. इसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं. अचीवर सेक्शन में एक एक क्वेश्चंस का जो मार्क्स है 3 मार्क्स हैं और ऑल अदर सेक्शन में जो क्वेश्चंस के मार्क्स हैं 1 मार्क्स है. इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हैं एंड नॉर्मली इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एंड OMR शीट कैसे फिलअप करना है स्टूडेंट्स को HB पेंसिल यूज़ करना है और ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है. एक एग्जांपल दिया है जैसे इसका करेक्ट आंसर सी है तो सी को डार्क करना है सी सर्किल को डार्क करना है. रफ़र करने के लिए इसमें लास्ट में स्पेस दिया गया है तो स्टूडेंट्स में रफ़र कर सकते हैं और थोड़ा स्पेस लास्ट से पहले वाले पेज में दिया गया है. एंड OMR शीट को जाने से पहले एग्जाम खत्म होने से पहले इसको इन्वेस्टिगेटर को हैंड ओवर करना है और पर्सनल स्पेस जो दी गई है इसको फिलअप करना है. अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. नंबर 1 पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का. फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनिमल्स के बारे में दिया गया जैसे कैंगरू वेलबीज तस्मैनियन डेविल्स कोलाज है ये कौन तरह के इसमें द कॉमन कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमल इज मतलब इसमें कौन से टाइप्स के एनिमल्स हैं. तो स्टूडेंट्स ने अपनी जनरल नॉलेज के बुक में पढ़ा होगा कि दिस एनिमल्स आर मार्सिपल टाइप्स ऑफ एनिमल्स. प्राइमेट्स जो होते हैं नॉर्मली मंकी या ट्री पर रहने वाले की फैमिलीज में होते हैं
तो मार्सिपल इसका करेक्ट आंसर है, जो नॉर्मली इनकी जो क्लास सिक्स की बुक है जनरल नॉलेज की उसमें भी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटमॉस्फेयर। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ एंड जुपिटर। अर्थ एंड जुपिटर जो है काफ़ी डिस्टेंस में एक दूसरे से, अगर हम सोलर सिस्टम देखेंगे तो अर्थ के नज़दीक में मार्स है एंड वीनस है, तो थोड़ी भी सिमिलरिटी अगर प्लैनेट्स के अंदर होती है तो नेबर्स होना ज़रूरी है। तो अर्थ एंड जुपिटर काफ़ी दूर दूर में है, तो उनकी जो एटमॉस्फेयर होगा काफ़ी डिफरेंट होगा। ऐसे ही जुपिटर और मरकरी भी काफ़ी दूर है, मरकरी एकदम सन के पास है, जुपिटर काफ़ी दूर है। ऐसे ही वीनस एंड सैटर्न भी जो है, वीनस जो है अर्थ के पास है, सैटर्न जो है जुपिटर के पास है, तो इन दोनों के अंदर भी सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यूरेनस एंड नेपच्यून है, बिकॉज दे आर द नेबरिंग, ये जो है नेबर मतलब आपस के आस पड़ोस के पड़ोसी टाइप के ये प्लैनेट्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यूरेनस एंड नेपच्यून से। एक फॉरेन फ्रेज ड्यू जोर इज क्वाइट कॉमन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स नॉर्मली रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन्होंने समटाइम्स अपनी टेबल पर देखा होगा कि कुछ स्पेशल मेन्यू दिया रहता है, दैट ड्यू जोर इज कॉल्ड स्पेशल मेन्यू, दैट इज मेंशन एज ए स्पेशल ऑफ द डे, कि आज का स्पेशल डे क्या, आज का स्पेशल क्या डिश है। तो ड्यू जोर मीन्स सॉरी स्पेशल ऑफ द डे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, which of the following years was the एपिको मूवमेंट स्टार्टेड। एपिको मूवमेंट इंडिया में आई थिंक कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, एंड इसका मतलब था टू सेव ट्रीज, तो ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। तो ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के काफ़ी तरह से क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के रेगुलरली एंड जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ के, तो ऐसे करने से उनकी जनरल नॉलेज इम्प्रूव होगी एंड दे कैन अटेम्प्ट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लाइक इन क्वेश्चंस में कुछ टाइप ऑफ वर्ड्स ऐसे दिए जिनके बारे में स्टूडेंट्स को मतलब मालूम होना चाहिए, जैसे चैरिटी क्या होती है, सोशल कॉज, जैसे डोनेशन हम लोग देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करंट मैच ऑफ द कंट्री एंड इट्स करेंसी। नॉर्मली एटलस या बहुत सारी बुक्स में दिया जाता है कि कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, तो जैसे फ्रांस और ये जर्मनी जो है ये यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं एंड यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, तो इन दोनों कंट्रीज की करेंसी सॉरी यूरो है, तो फ्रांस की डॉलर नहीं हो सकती एंड जर्मनी की पाउंड नहीं हो सकती, बिकॉज पाउंड जो है यूके की है, यूके जो है अभी यूरोपियन यूनियन में नहीं है, बट एनी हाउ उन्होंने जब यूरोपियन नेशन में थे तब भी उनकी करेंसी पाउंड ही थी। अब ईरान की जो करेंसी है रियाल है, वो दिनार नहीं है, दिनार आई थिंक कतर की होगी, एंड इक्वेडोर जो ऐसा बस्ता है जो हमने तीनों को एलिमिनेट करके फाइंड आउट किया है कि बिकॉज इक्वेडोर इज वन नॉट वेरी फेमस कंट्री, हम लोग को नॉर्मली मालूम नहीं रहता, बट तीनों को आप अगर अदर तीन कंट्रीज को देखेंगे तो इक्वेडोर एक ऑप्शन बस्ता है जिसको हम करेक्ट मान सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सातवां है, जो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ केमिकल वॉरफेयर। तो इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा एलिमिनेशन करना है, थोड़ा बहुत तो अपनी नॉलेज के बारे में अगर कुछ पता है उनको कि भाई कौन सा हो सकता ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन तो उन्होंने हम लोग के हिसाब से फ्रिज हेबर है, जिन्होंने जो कंसिडर किया जाता फादर ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ये एक ऑप्शन दिया गया लुइस पाश्चर, वो जो थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड ही वॉज ए फेमस साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन बेसिकली होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड आइटम को एकदम हीट करके जल्दी से कूल कर दिया जाता है, जिससे उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया से मर जाते हैं। नॉर्मली ये मिल्क में किया जाता है, जैसे डेरीज में मिल्क जो पैक किया जाता है उसको पहले पॉस्चराइज किया जाता है। तो लुइस पाश्चर ने पहले इन्होंने वैक्सीन भी निकाली थी जो रेबीज और एंथ्रेस की थी। तो इसका आंसर फ्रिज हेबर है, जो फादर ऑफ द केमिकल वॉरफेयर से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, हु इज द ऑथर ऑफ, ऑथर मीन्स लेखक कौन है विनय पत्रिका का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है तुलसीदास, उनको जो गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाने जाते थे, वो एक कवि थे। ऐसे ही ब्रह्मभट्टा जो थे वो संस्कृत के कवि थे। चाणक्य तो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी और एंशियंट टीचर भी थे, वो बहुत पुराने टीचर हैं, वो गुरु माने जाते हैं। सूरदास जो है सबको मालूम ही है नॉर्मल के ब्लाइंड पोएट थे, बट उन्होंने दोहे बहुत, उनके दोहे काफ़ी फेमस हैं।
बट विनय पत्रिका जो लिखी थी तुलसीदास ने लिखी थी। अभी बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड वाइटल प्रोसेस एंड देयर वाइटल प्रोसेस, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। जैसे फादर ऑफ केमिकल वॉरफेयर का है क्वेश्चन, ये एक फादर ऑफ बायोलॉजी का है, तो एरिस्टोटले जो थे वो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एक फिलिंग द ब्लैंक दिया है कि इज द टाइप ऑफ, कौन सी बीमारी है जो टाइप है, तो डेमेंटिया। डेमेंटिया मेमोरी लॉस होता है जिसमें पेशेंट जो होता है अपनी डेली काम करने में भी अपनी डिफिकल्टी फेस करता है बिकॉज उसको मेमोरी लॉस हो जाती है। तो मेमोरी लॉस से एक फेमस डिजीज जो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है, ठीक है, अल्जीमा डिजीज़ है एंड ये मेमोरी लॉस से है। अदर डिजीज जो है मेमोरी लॉस से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली अलजेब्रा और डेसिमल्स का यूज़ किया गया है। तो अगर स्टूडेंट्स अपनी 6th क्लास की बुक्स जो DPS की सिलेबस की है उसको अगर यूज़ करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पहले इन दोनों डेसिमल्स को ऐड करना है, उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। जैसे हमने इसको इनको ऐड किया है तो ये कोई आंसर आया, इसमें से आपने 150.68 माइनस किया तो ये आया। अब इसमें इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको ये हमने प्लस करके या माइनस करके यहाँ लिखा है और ये इक्वेशन बनी, तो एक्स को हम इस तरफ ले जाएंगे तो इसमें से इसको माइनस करना, तो एक्स की वैल्यू हमारी 202.808 आ जाएगी। ऐसे एक पोलर स्टार के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि वो स्काई में हमेशा एक जैसा ही क्यों दिखता है, एक ही प्लेस में क्यों दिखता है। तो इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है कि इट इज़ पोजिशन क्लोज टू द अर्थ एक्सिस। अर्थ एक्सिस के क्लोज में होने से, क्लोज तो नहीं है, काफ़ी दूर है बिकॉज स्टार है, तो क्लोज में होने से वो एक ही प्लेस में रहेगा ऐसा नहीं है, बिकॉज अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, तो उसकी डिस्टेंस जो है अर्थ एक्सिस से दूर होती जाएगी, तो वो एक ही पोजिशन में नहीं दिखेगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी जो है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ होल स्टार इज सेम दैट इज ऑफ अर्थ। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में थोड़ा फर्क है, अगर हम देखें तो ये जैसे सन है और अगर हमारी अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है तो दैट इज रिवॉल्यूशन, और अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर अगर रोटेट हो रही है तो दैट इज रोटेशन। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिया, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पोलर स्टार इज सेम दैट ऑफ द अर्थ, तो रोटेशन का पोल स्टार से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज अगर अर्थ में अगर हम इस प्लेस पर हैं, रोटेट होने से हम इस तरफ चले जाएंगे, अगर हम इस तरफ चले जाएंगे तो पोल स्टार दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे अर्थ रोटेट हो रही है और यहाँ पे ये पोल स्टार रोटेट हो रहा है, तो सेम होने से कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है इसका एक ही प्लेस में दिखने का। तो ऑप्शन सी एक बेटर दिख रहा है कि इट हैज द सेम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एज दैट ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ अभी यहाँ है, रिवॉल्व होके यहाँ आई, और अगर ये भी रिवॉल्व होके यहाँ आ रहा है, मे बी इसका सा स्टार कोई दूसरा होगा जो इस तरफ कहीं होगा, तो अगर दोनों एक ही तरह से रिवॉल्व हो रहे हैं तो ये एक ही पोजिशन में हमेशा दिखेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम डेली अपडेट करके अपनी नॉलेज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट, समिट मींस पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, एंड द फर्स्ट वुमन टू असेंड, असेंड मतलब इन्होंने चढ़ाई करी थी 7 समिट, 7 पीक्स के माउंटेन की, एंड हाईएस्ट पीक ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। तो करेक्ट आंसर इज जिंको टेबाई, आई थिंक ये जापानीज है। इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 15, ये नॉर्मली ज्योग्राफी की बुक्स में मिल जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रबी एंड खरीफ क्रॉप्स रेस्पेक्टिवली। तो मस्टर्ड एक रबी है एंड मेज जो है खरीफ की क्रॉप है। तो आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ सैटेलाइट्स के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं, जो फ्रेंच गुयाना इज ए फेमस लॉन्चिंग पैड, जो इसरो जो है नॉर्मली फ्रेंच गुयाना से लॉन्च कराता है अपने सैटेलाइट्स। फ्रेंच गुयाना का एक एडवांटेज है कि ये इक्वेटर के नज़दीक में है, इक्वेटर पे पोजीशन है, इसलिए वहाँ से लॉन्चिंग जो है रॉकेट की एंड सैटेलाइट्स को वहाँ पे स्पेस में और अर्थ के रोटेशन में भेजना इजी रहता है।
और उसके ऑर्बिट में भेजना इजी रहता है. विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज टिल्ट ऑफ द एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द डे आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द अर्थ. तो मार्स जो है नॉर्मली नेबर भी है एंड इसका जो टिल्ट जो है एक्सिस का और लेंथ ऑफ द डे है सिमिलर है हमारे अर्थ के साथ में. ये फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18. हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन. सो पीटी इज अ वेरी फेमस एथलीट. ऐसे ही कुछ फेस्टिवल्स के बारे में दिए गए हैं उड़ीसा का. क्वेश्चन नंबर 20 है जो, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टेलीविजन. तो अगर हम रेडियो वेव देखें, इंफ्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखें, तो रेडियो वेव जो होती है इनकी एनर्जी सबसे लो होती है. इसके ऊपर जाए तो उसकी उससे थोड़ी एनर्जी बढ़ती माइक्रोवेव्स की, फिर इंफ्रारेड की ज़्यादा एनर्जी हो जाती है. विजिबल जो वेव्स होती है उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ती, ऐसे एनर्जी बढ़ती जा रही है. अल्ट्रावायलेट की बढ़ जाती है एंड एक्सरे रेज की बहुत एनर्जी होती है एंड सबसे ज़्यादा गामा रेज जो बहुत डेंजरस भी होती है वुमन हेल्थ के लिए. तो इनकी एनर्जी लेवल इस तरह से बढ़ रही है. तो ये नॉर्मली रिमोट जो हाउसेज में यूज़ होता है, तो ज़्यादा एनर्जी लेवल की ह्यूमन के लिए थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि हम लोग नॉर्मली पास से चलाते हैं रिमोट को. तो इंफ्रारेड जो होती है उसके लिए इसमें रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती है. ऑल स्पीसीज ऑफ लूमर, लूमर जो होते हैं एक तरह के मैमल्स होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं एंड इन द वर्ल्ड आर एंडेमिक टू विच कंट्री. सो एंडेमिक मीन्स बेसिकली नेटिव ऑफ विच कंट्री. तो मेडागास्कर में लूमर्स रहते हैं. ऐसे जुपिटर प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन दिया कि जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सी गैसेस से बना हुआ, दैट इज हाइड्रोजन हीलियम. ये क्वेश्चन है कि कौन सा आइडेंटिफाई जो नेटवर्क का आइडेंटिफाई करिए, इसमें जैसे एक स्कूल में स्टूडेंट्स को जो है वेबसाइट के लिए एक्सेस दी जाती है, उसमें वो लोग लर्निंग कर सकते हैं, जैसे नोट्स एंड ई बुक्स एंड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं. बट इसकी एक्सेस जो होती है खाली स्कूल में रहती है, उसके अगर वो बाहर जाए तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते. तो ये कौन से टाइप का नेटवर्क है क्वेश्चन दिया गया है. इसमें चार ऑप्शन है. फर्स्ट है एक्सटरनेट. एक्सटरनेट जो होता है ये भी एक तरह का नेटवर्क है जिसमें पार्शली एक्सेस दी जाती है आउटसाइडर को ऑल्सो, एंड आउटसाइडर इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट. सो ये डेफिनेशन जो है इसके साथ सूट नहीं हो रही है. आर्पानेट जो होता है कि फंडामेंटल, ये इससे फाउंडेशन बनी है इंटरनेट की. एंड ग्लोबल नेटवर्क हम लोग जानते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब है. तो इंटरनेट जो होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो एक ही प्लेस में यूज़ किया जा सकता है एंड इसकी उस प्लेस के बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. इसका ऑप्शन है इंटरनेट. इंटरनेट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इसमें कुछ कन्वेंशन दी गई हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन. सो कन्वेंशन इज बेसिकली एग्रीमेंट्स होता है बिटवीन द वेरियस कंट्री एंड ये कुछ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या ह्यूमन को कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह के कन्वेंशन या एग्रीमेंट किए जाते हैं. तो रामसर कन्वेंशन ये जो था बेसिकली ऑन वेटलैंड पे था. वेटलैंड मतलब जो कुछ वेटलैंड्स होती है जिसमें लैंड और वाटर का कुछ कॉम्बिनेशन रहता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था. बी है साइट्स कन्वेंशन, ये जो बनाया गया था इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन किया गया था. थर्ड है बैमाको कन्वेंशन, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपना एक एग्रीमेंट किया था, ट्रीटी की थी, जिसमें उन्होंने प्रोहिबिट किया था हजार्डेड वेस्ट को यूज़ करने के लिए और इम्पोर्ट करने के लिए. प्रोहिबिट किया मीन्स मना, आपस में एग्री हुए थे कि हम हजार्डस वेस्ट को इम्पोर्ट नहीं करेंगे. लास्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये ट्रीटी जो है बेसिकली करी गई थी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन. तो ये डू और डाई क्वेश्चन नंबर 25, जो डू और डाई का जो नारा था करो या मरो, किन्होंने दिया था, ये फेमस नारा है, भगत सिंह ने दिया था. सुभाष चंद्र बोस को तो हम जानते हैं, उनका नारा जो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे कुछ नारे फेमस नारे थे.
एक क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो सिविक्स से आया है, द राइट टू सीक द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड रिट। एंड ये सब डांस का फॉर्म्स कहाँ पे, कौन से स्टेट पे यूज किया गया, ये बताया गया है। एक स्पोर्ट्स के बारे में है कि हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ यंगेस्ट बॉक्सर टू विन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग समथिंग आर देयर एंड IBF हैवी वेट टाइटल्स। सो माइक टायसन ने जीते थे। सो एक ये सैटेलाइट के ऊपर एक और क्वेश्चन है, दैट इज LRO मीन्स लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैथमेटिकल से थोड़ा दिख रहा है, एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक बॉर्ड मास का प्रिंसिपल यूज किया है, जहाँ पे इसमें क्वेश्चन में बताया है कि P का मतलब प्लस है, Q का मतलब माइनस है, R का मतलब मल्टीप्लाई, S का मतलब डिवीजन, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 84, एंड यहाँ पे S आया, S का मतलब डिवाइड है, तो हम इस तरह से हमने एक इसको कर लिया, लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम बॉर्ड मास प्रिंसिपल को यूज करेंगे। बॉर्ड मास होता है बी मतलब ब्रैकेट पहले खोलिए, ऑफ, देन आप डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, अगर उसके बाद अगर डिवाइड होने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाइए और लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए। तो बॉर्ड मास प्रिंसिपल से करने से सबसे पहले हमको ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले डिवीजन का सिंबल दिखा, तो डिवाइड करेंगे, 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 बनाया, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 8 से तो 24 आया, फिर प्लस 5 रखा, देन आंसर हमारा 2 आएगा। नेक्स्ट सेशन आता है करंट अफेयर्स का, आई थिंक इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स मीन्स आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बारे में स्टूडेंट नॉर्मली अपने न्यूज़पेपर या टीवी या इंटरनेट से देख के पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द मिनिस्टर मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इन 2018। जो अभी हाल ही में ये मीटिंग हुई थी 2018 में इंडिया में, न्यू दिल्ली में। तो इस तरह के करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें अराउंड 10 क्वेश्चन हैं। मैरी कॉम फेमस है, हु वन द गोल्ड मेडल एट द 2018 इंडियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन 48 kg कैटेगरी। शक्ति ऐप जो वुमेन सेफ्टी के लिए चला गया था, हिमाचल प्रदेश ने चलाया था। सौरव गांगुली के ऊपर एक बुक लिखी गई है जो अभिरो भट्टाचार्य ने लिखी थी, 2018 में रिलीज हुई थी, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। एंड इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, हु वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड द फीफा 2000। अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उसमें बूट और गोल्डन बूट अवार्ड हैरी केन ने जीता था। एंड बॉलीवुड की फेमस फर्स्ट पर्सनालिटी है शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड 2018 में जीता है हाल ही में, एंड ही इज़ अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड इन द UK में उन्होंने जीता है। एंड द 40th क्वेश्चन जो है, फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम इन इंडिया हैज़ बिन ओपन इन तमिलनाडु, जो कोयम्बटूर में ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाइफ स्किल्स के ऊपर में है, जो वेरी बेसिक टाइप ऑफ लाइफ स्किल्स जो कॉमनली यूज होता है, हम लोग भी जनरल थोड़ी नॉलेज में आता है और बुक्स में भी रहता है स्टूडेंट्स की, तो ये बड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट इनको इजीली कर भी सकते हैं। बट कुछ दिया गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीम वर्क। सो टीम वर्क में जैसे कोई बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग जानते हैं उसमें एक कैप्टन होता है, दैट मीन्स लीडरशिप इज रिक्वायर्ड इन अ टीम वर्क। इसमें एक एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे क्रिकेट में एक आदमी को आपको आपने लीडरशिप दी, कैप्टन को लीडरशिप दी है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने विकेट कीपर को दी है, बॉलर्स को दी है, फील्डर्स को दी है, एंड इस तरह से। तो टीम वर्क में लीडरशिप यूज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज होती है, और ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग एक एनी टाइप के गेम को भी खेलते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो उसका एक प्लानिंग कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, ये कैप्टन रहेगा, ये विकेट कीपर रहेगा, एंड ये आदमी जो है वाइस कैप्टन रहेगा, लाइक दैट। एम्पैथी वर्ड जो है इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट वॉट अनदर पर्सन इज फीलिंग। द बेनिफिट ऑफ एम्पैथी इन एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल दीज फंक्शन, बिल्डिंग पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर, हेल्पिंग स्टूडेंट टू डीपन रिलेशनशिप विद क्लासमेट्स,
strengthening community and building trust. So ये empathy के characteristics हैं. Now last section is the achiever section. इस section के each questions के 3 marks हैं and question थोड़े lengthy रहेंगे and थोड़े tough भी हो सकते हैं. But achiever section इनको इसलिए बोला जाता है कि जो hard working students हैं, जो ज़्यादा labour करते हैं, जिन अच्छी उन्होंने preparation करी है, वो लोग इसमें अच्छा score कर सकते हैं. इसमें first and two column match करने हैं question number 46 में and जैसे first column में cities के नाम दिए हैं and इसके match करानी है rivers नदियाँ. जैसे उज्जैन इस famous हम लोग जानते भी हैं शिप्रा नदी जो है उज्जैन से. अगर कि स्टूडेंट्स को एक दो भी नाम है तो अदर को मैच करा सकते हैं. जैसे उज्जैन का पी का 4 से मैच होना चाहिए, तो पी का 4 से यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है. अगर आपको अधिक दूसरा किसी के बारे में मालूम हो, जैसे नासिक फेमस है गोदावरी के लिए, तो गोदावरी नदी है, तो नासिक जो है टी को अगर हम 5 से मैच कराते हैं, टी को 5 से मैच कराते हैं, ऑटोमेटिकली आंसर हमका आ जाता है क्योंकि टी में 3 है. तो अगर हमको 2 के भी नाम पता है तो हम आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए. एंड कटक भी एक फेमस सिटी है जिसमें महानदी रिवर है, इस पर एक ही नदी है जो उड़ीसा की है, उड़ीसा का ये है, तो क्यू को आप 1 से मैच करा दीजिए, क्यू को 1 से मैच कर दीजिए, अदर 2 को मैच कराने की जरूरत भी नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर 47 है जो थोड़ा सा टफ है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन स्काई स्क्रैपर, जो होते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स होती है और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में आपको अरेंज करना है. तो बुर्ज खलीफा जो है ये दुबई में है एंड इसके बाद शंघाई टावर जो है शंघाई चाइना में है, इस तरह से ये पेट्रेशन टावर जो सिंगापुर के टावर्स हैं, आई थिंक मलेशिया के टावर्स हैं, इस तरह से ये डिक्रीजिंग हाइट उनको एडजस्ट करना था. तो ये कुछ बर्ड एंड ईगल आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद गोल, तो दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द गोल. टेक्निकल फाउल एंड फ्लैग्रेंट फाउल आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द टेबल टेनिस, ये बेसिकली बास्केटबॉल के टर्म्स हैं, फाउल्स हैं. ऐसे आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज सर गैरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ये भी करेक्ट आंसर है. वॉलीबॉल वॉज अर्लियर नोन एज ए मिंटोनेट, सो ऑप्शन सी इज दैट 2 इज ऑनली करेक्ट विच इज इन करेक्ट. ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडवेयर. एडवेयर मीन्स जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं आपके एप्स में, उनको एडवेयर बोला जाता है. तो इसको आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और आप कंप्यूटर यूज़र जो एक्टिविटी करता है उसके परमिशन के बिना भी एडवेयर उसमें आ सकता है. एंड इट प्रेजेंट ऑप्शन ए जो दिया है, प्रेजेंट अनवांटेड एडवर्टीजमेंट जो होता है वो उसमें दिया जाता है. आपको प्रोग्राम जो रन कर रहा है, जैसे आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं या किसी और में वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें ऐड आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 50 जो है लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज डायरेक्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, and 6. सो ये बेसिकली एक इजी क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स को नॉर्मली मालूम रहता है कि कौन सा जो कौन सा नंबर जो है 3 से डिवाइड होता है, 4 से एंड 5 से एंड 6 से डिविजिबल होता है. तो इसको आप नॉर्मली स्टूडेंट कर सकते हैं इसमें, बट इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर का जरूरत होता है. हमने आंसर निकाला है कि ओनली 1 जो है ऑप्शन में करेक्ट है, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट नहीं है. अगर आप इसमें देखें, इसको आप डायरेक्टली 11 से डिवाइड करके देख भी सकते हैं. 5, 2, 1, 6, 8 को डायरेक्टली डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 जो है वो ट्रू नहीं है. तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन 2 जो ट्रू नहीं है, जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो ऑप्शन 2 ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं, तो बचा है ओनली 1. तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि ओनली 1 भी जो है ट्रू ना हो. तो हमने कुछ इसमें ट्राई किया है, हमने बारी बारी से इसमें नंबर्स ऐड किए हैं, जैसे 2497
एंड 23 इसमें अगर ऐड करेंगे तो लीस्ट नंबर इसमें ऐड करेंगे तो वो नंबर जो आएगा वो इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है 3 से, उसको पता करने का एक रास्ता है कि आप ऑल डिजिट्स को ऐड करिए। अगर वो एडिशन जो है 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 2497 में अगर हम 23 ऐड करें, 2497 में 23 ऐड किया, 7 3 10 9 2 11 1 12 4 5 और 1 2 5 2 0, इसको हम 3 से डिवाइड करना है तो सबको ऐड करेंगे 2 प्लस 5 7 प्लस 9, तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स ये नंबर जो हुआ 2520 3 से डिविजिबल है। अब हम देखना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट के टू डिजिट्स अगर आप देखें तो 4 से डिविजिबल है, और अदरवाइज आप पूरा डिवाइड करके सकते हैं। तो 6 4 24 कैरी ओवर 1 12 3 एंड दैट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 20 है तो 5 से डिविजिबल हो गया। और 6 से देखना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से डिविजिबल होगा। 3 से हमने देख लिया डिविजिबल, 2 से ये बिकॉज इट इज़ ए इवन नंबर तो 2 से भी डिविजिबल है, तो दैट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल हुआ। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बड़ा सिंपल तो इतना नहीं कह सकते हैं, बट काफ़ी अगर आप तैयारी करें तो इसमें कर सकते हैं। एंड गार्जियन भी इसकी इस तरह की प्रैक्टिस कराएं जीके के क्वेश्चंस की, तो स्टूडेंट जो है इवन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो भी काफ़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं इस तरह की कंपटीशन में। और आगे चल के अदर कंपटीशन जैसे IIT एंड AIEEE उनकी भी प्रैक्टिस इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। और आगे चल के काफ़ी MBA में CAT और MAT में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इस तरह के आते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करती रहना चाहिए। एंड ये इंग्लिश मीडियम्स के लिए भी तो है ही है कि उनको भी प्रिपरेशन करने से अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इस तरह के कंपटीशन में दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।